उत्तर प्रदेश के अयोध्या में तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस दास महाराष्ट्र के दौरे के बाद पहुंचे अयोध्या। जगतगुरु परमहंस दास का दावा, समाजसेवी अन्ना हजारे और फिल्म अभिनेता मुकेश खन्ना ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मुहिम का किया समर्थन। जगतगुरु परमहंसाचार्य का बयान, लगभग 60 करोड़ लोग भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मुहिम से अब तक जुड़ चुके हैं। 7 दिसंबर 2023 तक 100 करोड़ लोगों को मुहिम से जोड़ने का है लक्ष्य। 7 जून 2023 को भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग के लिए परमहंस करेंगे आमरण अनशन। जगतगुरु परमहंसाचार्य ने व्यापक स्तर पर आंदोलन की घोषणा की। राष्ट्र घोषित करने के लिए सबसे पहले हमने ही शुरू किया था। हमसे पहले कोई संगठन अथवा कोई धर्माचार्य हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं किए थे, जिसको लेकर के हमने 16 दिन तक आमरण अनशन किया था। इसके बाद हमने जल समाधि की घोषणा किया था। फिर हमसे वक्त मांगा गया तो हमने घोषणा किया 7 नवंबर 2023 तक नहीं होगा तो फिर मैं आमरण अनशन करूंगा। तो 2023 7 नवंबर से जो हमारा आमरण अनशन है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए, उसको लेकर के मैं देश के कोने कोने जा रहा हूं और सबसे समर्थन ले रहा हूं। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस बार हम महाराष्ट्र जो वीर शिवाजी की भूमि है वहाँ गए तो मुकेश खन्ना जो महाभारत में भीष्म पितामह बन चुके हैं, शक्तिमान का रोल कर चुके हैं, उन्होंने जो है बड़ी बेबाकी से हमारा समर्थन किया। और वरिष्ठ समाज सेवी अन्ना हजारे ने कहा कि उन्होंने कहा कि हमारा जब तक जीवन है हम आपके समर्थन में हूँ हिंदू राष्ट्र के लिए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।